No, 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 no. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। गुड़गांव की इस भीड़ भाड़ भरी जिंदगी में अगर आपको कुछ पल की शांति मिल जाए, कुछ पल के लिए आपको एक क्लीन नेचुरल एनवायरनमेंट मिल जाए, तो वो तो एक जन्नत के बराबर होती है। इसीलिए आज हम चल रहे हैं गुड़गांव की एक ऐसी जगह जो बिल्कुल एक तरीके से एक हिल स्टेशन और एक बीच का अमेलगमेशन है, एक कॉम्बिनेशन है, क्योंकि वहां पर आपको लेक भी मिलता है, वहां पर आपको पहाड़ भी देखने को मिलते हैं और वहां पर आप कुछ ना कुछ एडवेंचर्स भी कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं गुड़गांव के दमदमा लेक की, जो कि दिल्ली से लगभग 40-50 किलोमीटर दूर और गुड़गांव से सोना रोड की तरफ 15-20 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। कहने को तो वो एक छोटा सा पिकनिक स्पॉट है, लेकिन वहां पर करने को बहुत कुछ है। वहां पर आपको एक रेस्टोरेंट भी मिलता है, एक बार भी मिलता है, वहां चाहे तो आप नाइट स्टे भी कर सकते हैं। अब हम बस अपनी गड्डी को स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको उसके रास्ते के बारे में बताऊंगा और वहां पहुंचकर तो मैं आपको वैसे भी उसका पूरा टूर करवाने ही वाला हूं। तो बस देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस ब्लॉग में एंड तक हमारे साथ बने रहिए। तो फ्रेंड्स, हम सोना रोड पर चल चुके, लगभग 40 मिनट का टाइम यहाँ से दिखा रहा है। अप्रोक्सीमेटली 16 किलोमीटर है डमडमा लेक यहाँ से, और ये मेरे हिसाब से बिल्कुल आइडियल टाइम है डमडमा लेक जाने का, क्योंकि शाम हो चुकी है, धूप ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, तो वहां पर आपको बोटिंग का भी मजा आएगा। अगर कैमल राइड हो पाती है तो उसका भी आप मजा ले पाएंगे। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, मैं पहले भी डमडमा लेक जा चुका हूँ। ये मेरा डमडमा लेक का सेकेंड ट्रिप होने वाला है। पहले हम लोग गए थे, लेकिन वीकडे पर, नायशा के बर्थडे पे हम लोग गए थे 2 महीना पहले। तब लेकिन बारिश शुरू नहीं हुई थी, तो फिर ना तो वहां पर इतना पानी था, इतना वाटर कैपेसिटी थी कि बोटिंग हो सके, और ऊपर से हम लोग वहां पहुंचे लगभग 2 से 2:30 बजे के करीब, और इतनी गर्मी थी, इतनी स्वेटिंग हो रही थी हम लोगों को कि हम वहां आधा पौन घंटे से ज्यादा रह नहीं पाए। उस आधा पौन घंटे में भी हमने बहुत मस्ती करी। वहीं पर हमने जो वहां पर रेस्टोरेंट है जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, उसमें नायशा का बर्थडे केक भी हमने काटा था, कैमल राइड भी की थी, तो मस्ती पूरी हो गई थी। लेकिन फिर काफी कुछ रह गया था बिकॉज ऑफ गर्मी, हम झूले नहीं झूल पाए बिकॉज झूले इतने गर्म हो रहे थे और बोटिंग हो ही नहीं पा रही थी, क्योंकि उन्होंने बोला बोटिंग 5 बजे के बाद होती है, लेकिन 2:30 बजे हम पहुंचे थे, तो 5 बजे तक वहां पर रुकना तो इम्पॉसिबल था। तो इसीलिए इस बार हम लोगों ने ध्यान रखा कि सही टाइम पर पहुंचे और एटलीस्ट धूप ना हो। अब देखते हैं, बारिश वगैरह तो अब काफी कुछ हो चुकी है, ऑलमोस्ट मानसून तो ऑलमोस्ट एक तरीके से खत्म ही होने वाला है, तो मुझे लगता है कि वाटर लेवल राइज हो चुका होगा, और सैटरडे है तो क्राउड भी अच्छा होगा। अब देखते हैं आज कैसा होता है। अब चलिए, अब वहीं पहुंच कर बात कर। देखो यहाँ पर ढेर सारे कैमल है, इसको मुंह क्यों कवर किया? काटता है क्या? काटता है क्या? नहीं, तो फिर इसका मुंह कवर है, बाकी का नहीं है। पेड़ के पास नहीं जाए, पत्ते नहीं खाए। छोटी छोटी पहाड़ियाँ, ये सब अरावली हिल्स का हिस्सा है। अभी बरसात शुरू ही हुई है और ये सब देखिए पानी पानी हो गया। लास्ट टाइम जब हम आए थे ना यहाँ पे, तो यहाँ हम लोगों ने क्रिकेट खेला था। मैं उसका शॉट भी लगा दूंगा आपको कि लास्ट जो हमने 2 महीने पहले यहाँ विजिट किया था, तो ये कुछ पानी नहीं था, ये सब प्लेन ग्राउंड था, और यहाँ पर मैंने, साक्षी ने, नायशा ने क्रिकेट खेला था। नन्ना गेंदबाज, अब ये पानी भर गया, थोड़ा बारिश जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो वाटर लेवल राइज होता जाएगा। ये वाटर लेवल देखिए, जो जहाँ चढ़ के आए ना, ये सब पानी हो जाता है, ये सब इस लेवल तक, लगभग 50 फुट हाइट तक पानी आ जाता है। लेकिन अभी भी फिलहाल काफ़ी मज़ा है, आज हमें बोट राइड करने को तो मिल ही जाएगा, तो चलिए पहले बोट राइड करते हैं। आप कौन सी है जी? वो बड़ी वाली में जाएंगे, बड़े वाली में। हाँ, ये बड़े वाली में बिठा लो, बोट कर। वो कह रहे थे ना दूसरी वापस आएगी, तब हम रुक गए। दूसरी वापस 10 मिनट बताओ, 10 बंदे 10 बंदे 500 रुपये लिए। नहीं नायशा, इसमें नहीं जाएंगे, वो दूसरी वाली वापस आएगी तब जाएंगे, इसमें जगह ही नहीं है बेटा। सब लोग तो बैठ गए, जगह कहाँ है इसमें? क्या हो गया, आप यहाँ बैठ क्यों गए? बोटिंग नहीं करनी? जब बैठेंगे
थक गए? ऊंट पे बैठोगे क्यों? तो नायशा ये अचानक पीछे जाके बैठ गई है चुपते चुपाते, और अब वहां जाके बोल रही है मोबाइल दो मैं ब्लॉग बनाऊं। ब्लॉग बनाना है? ए नायशा, अगर तेरे को जरा सी भी चोट लगी ना तेरी मम्मी मेरी चटनी बना देगी। ब्लॉग इधर आओ। लड़की को पता चल गया कि इसको चलाने से चलती है। पिछली बार मैं आया था तो हम लोग दोपहर को 2 बजे आ गए थे, बरसातें भी शुरू नहीं हुई थी और पानी भी नहीं था। यहाँ पे हम लोगों ने क्रिकेट खेला है। हाँ नहीं, कुछ लोग बोल रहे थे कि ये पूरा सब पानी हो जाता है, ये सब भर जाता अगर बारिश हो तो। अच्छा भर जाता जितना भी है। अच्छा अच्छा, बारिश नहीं हुई अपने यहाँ। ठीक है, 25 साल में पहली बार हुई की बारिश कम हुई है। अच्छा अच्छा। तो फ्रेंड्स, बहुत देर के इंतजार के बाद फाइनली हमारी बोट शुरू हो गई है। पापा कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है। बढ़िया लग रहा है। नायशा कुछ बताइए। बोलो। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। भैया अपना नाम बताइए। मेरा नाम कन्हैया लाल। कन्हैया लाल, ओके। ये सारे सूरज कॉम्प्लेक्स की बोट चला रहा है। अच्छा अच्छा, मुझे तो डर लग रहा है। डर लगना बनता भी है, बोट पलट सकती है। दो इतने हट्टे कट्टे लोग बैठ गए, तुम भी और मैं भी। एक तरफ बैठेंगे तो पक्का पलट जाएगी। मैं इधर बैठ जाऊं? नहीं, पापा सीरियस हो गए। पापा को लग रहा है सच में पलट जाएगी। नहीं पलटेगी पापा। 20 लोग बैठ सकते हैं, 3 ही लोग बैठे हैं। प्राइवेट बुक करी है हमने। वो जो दूर से वो बोट दिख रही है ना रेड वाली, पहले हम वो बुक करने वाले थे लेकिन उसको खुद पैरों से चलाना पड़ता, पापा चला नहीं सकते। साक्षी नायशा को चलाने में बिजी रहेगी, मुझे वीडियो चलानी है, ब्लॉग बनाना है, तो इसलिए हमने सोचा कि ये भैया वाले ही भाई बैठते हैं। चलाने का काम भैया का और वीडियो बनाने का काम हमारा। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता रहा था, पिछली बार जब हम लोग आए तो कोई बोटिंग वगैरह कुछ नहीं कर पाए। कैमल राइड की थी लेकिन लग रहा है कि आज कैमल राइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मन भी नहीं कर रहा है। पिछली बार कर ली थी तो मैं उसके ही शॉर्ट्स ब्लॉग में डाल दूंगा, क्योंकि पिछली बार का कैमल राइड बहुत ही मज़ेदार था। ठीक है, लेकिन बोट राइड नहीं हो पाई थी, वो हो गई है। इट्स ऑलरेडी सनसेट हो चुका है, तो अब शायद जब तक हम बोट राइड करके लौटेंगे तो कैमल के लिए ऑलरेडी बहुत लेट हो जाएगा। देखेंगे अगर कुछ झूला वूला झूलना होगा तो, वरना घर की ओर बढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल काफ़ी टाइम बाद मैं बोट राइड कर रहा हूँ। पिछली बार मैंने बोट राइड की थी शायद 2016 में नैनीताल में, शायद बहुत छोटा रहूँगा तब मैंने पापा के साथ कभी करी होगी, हरिद्वार या ऋषिकेश में। उसके बाद मैं शायद पापा के साथ पहली बार कर रहा हूँ। साक्षी तुम्हारे साथ भी मेरा पहला एक्सपीरियंस होगा ना, क्योंकि राफ्टिंग करने जब हम गए तो तुम जा नहीं पाई बिकॉज ऑफ नायशा। नायशा की वजह से तुम्हारे आधे एडवेंचर रह जाते। ये मेरा सबसे बड़ा एडवेंचर है। हाँ, ये सबसे बड़ा एडवेंचर है हमारा, तो इसके बाद हमें किसी एडवेंचर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो भैया ने हमें परमिशन दे दी, वापसी पे हम चप्पू चलाएंगे। मुझे पता है चला नहीं पाऊँगा मैं, लेकिन हाँ बस एक बार ट्राई करके देखना चाहता हूँ कि कैसा होगा। हाँ भैया, यहाँ पे मिक्का सिंह का फार्म हाउस भी तो है, यही वाला है ना? ये मिक्का सिंह का फार्म हाउस है जो सिंगर है। ठीक है, जूम करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जैसा कि आपने अभी सुना, ये सिंगर मिक्का का फार्म हाउस है। यहाँ रहता तो नहीं होगा बट फेमस है यहाँ कि ये मिक्का सिंह का फार्म हाउस है। हाँ, 25 वर्कर रहते हैं। अच्छा, भैया बता रहे हैं। दो बार आ जाता है। अच्छा, महीने में एक आध बार आ जाता है और उसके वर्कर्स यहाँ पे रहते हैं 20-25। ठीक है, आयशा उतरने की कोशिश मत करना, इसमें लाइफ जैकेट भी नहीं होती है इस बोट में। अंकल बोट, इस बोट को कुछ कहते हैं ना भैया? रोइंग बोट। अच्छा, आपको चलाना है? अभी मैं चलाऊंगा, तब मेरी गोदी में बैठ जाना। अनमोल चप्पू पकड़ो, चप्पू उधर का भी पकड़ो। ये बोट बिल्कुल भी हिल नहीं रही है दोस्तों, तो बोट भाई की भाई है लेकिन मजा बहुत आ रहा है। ठीक है, नायशा को भी करना था, मेरे लिए भी एडवेंचर हो गया। अब भैया को जिसका काम उसी को साझे,
और करे तो ठेंगा बाजू। भैया आप लोग समाओ, हम जा रहे हैं, अब वीडियो ही बना सकते हैं। अच्छा देखो, मैं चलवाऊंगा। हाँ चलो भैया के पास जाओ, चलो 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 यहाँ से चलाओ। ये नायशा चला रही है। वेरी गुड। नायशा को बहुत मजा आ रहा है। देख भी नहीं रही है पापा की तरफ। हैं? ये हरियाणा टूरिज्म वाले नहीं, अच्छी तरह के बैठे पंचायत की जो होता है ना। अच्छा, हम दोनों एक तरफ बैठ जाएंगे, दिक्कत होगी? मोटे मोटे अरे मुझे शॉर्ट में लेना था। कोई बात क्या, मैं भी हटा लूँ, चलेगा? चलेगा। हाँ साक्षी, तुम भी आ। ये बस रुकना ऐशा, पापा की पर्स संभाल लेना। ऐशा रुको, अभी अभी हम झूला भी पहले। ठीक है पापा, हम झूले पे जा रहे हैं, आप बैठो। थैले में लगा ध्यान रखिएगा। झूले पे, झूले पे। इस झूले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैरीगोराउंड। शायद इसे मैरीगोराउंड कहते हैं। हाँ, मैरीगोल्ड तो बिस्किट होता है, वो भी ऐसे ही होता है, गोल गोल होता है। ये करो, ये आते ना? मम्मी को तो डर लग रहा है, एक हाथ से नाइजर पकड़ी है, एक हाथ से चूड़ा पकड़ा हुआ, मम्मी नहीं आई करेगी। चल ऐसे कर देते हैं अब, ठीक है ना? मम्मा नहीं करेगी। मम्मी को बहुत डर लग रहा है हाथ छोड़ने में, लेकिन पापा के दोनों हाथ छूटे पड़े। देखो एक हाथ यहाँ दिखा रखा है, एक से ट्राईपॉड पकड़ा हुआ है। पापा बहुत, देखो जैसे ही चैलेंज किया मम्मी की हिम्मत आ गई। वैसे एक चैलेंज हार चुकी है बनाना वाला, अब ये वाला नहीं हारना चाहती है। अभी तो बहुत सारे चैलेंज करने हैं मैडम, या कहूँ बहुत सारे चैलेंज हारने हैं। ठीक है, तो अगर फ्रेंड्स आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारा कल का बनाना चैलेंज भी देखेगा, बहुत ही औसम वीडियो है, आपको बहुत मज़ा आएगा। और ये तो औसम है ही, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये मैनुअली ऑपरेटेड है, इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड नहीं है, मैनुअली इसको चला रहे। और अब भैया ने झूला तेज कर दिया है और अब पेट पे ठंडी ठंडी हवा लग रही है। क्यों नायशा गुदगुदी हो रही है? ओ ये मजा आ रहा है नायशा। ऊपर आते ही पेट के अंदर ऐसी हवा लगती है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कप फ्राई करो, कप फ्राई कर दो, हमारा कप फ्राई कर दो। नायशा मजा आ रही है, आ जाए नायशा को मजा। 3 साल में पहली बार नायशा कुछ ऐसा कर रही है एडवेंचर। नायशा की मम्मी को, हाँ, लॉकडाउन में तो ये सब करने को ही नहीं मिलता था, और जब लॉकडाउन छूटा तो ऑफिस रिज्यूम हो गया, इस सब के लिए टाइम ही नहीं रहा। अब ब्लॉगिंग की वजह से घूमने को मिल रहा है, वरना तो घर बैठे रहो, सैटरडे संडे आराम और मंडे टू फ्राइडे का। ये घोड़ा घोड़ा नहीं है बेटा, ये उठा उठा है, उठा 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 उठा, कैमल राइड। तक बक तक बक तक बक तक बक तक बक तक बक। ये क्या है? कैलम नहीं, कैमल। ये नायशा, हैप्पी बर्थडे टू यू। आओ ना
ये नीचे रेस्टोरेंट है, इसी के ऊपर होटल बना हुआ है, कमरे हैं। 2500 रुपए का एक कमरा है। बाहर से आते हैं? हाँ, जैसे मान लो आप बाहर से आए हो और आप यहाँ रुकना चाहते हो, या नए शादीशुदा कपल हो, आपको टाइम स्पेंड करने के लिए, आप घूमने के लिए आए हो दूसरे शहर से, लेट नाइट हो गया तो यहीं रुकोगे, तो उसके लिए बनाया हुआ है ये। पापा प्राइवेट नहीं है, ये सरकारी है, ये पूरा ये सब कुछ हरियाणा टूरिज्म के अंडर आता है, तो सरकारी है। वो जो बंदे जो हमें बोटिंग करा रहे थे वो भी सरकारी एम्प्लॉय थे, तनख्वाह मिलती है? हाँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे वो लोग। ये लोग भी सारे गवर्नमेंट के हैं। ये नीचे रेस्टोरेंट है और ऊपर होटल है, इसीलिए तो इतना सस्ता है। आप इसके रेट देखो कितने सस्ते हैं। आलू प्याज के पराठे पापा और मेरे लिए, साक्षी का सैंडविच, नायशा का सैंडविच, और ये नायशा की नौटंकी तो देखिए चली रही है। सब जा चुके हैं, एक हम ही हैं जो यहाँ अब तक बैठे हुए। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आपको हमारा ये दमदमाले का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे कल एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। हमारे चैनल को लाइक करो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।